काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कैश एंड बैंक बुक क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। कैश एंड बैंक बुक एक तरह की समरी है जिसकी सहायता से हम शीघ्रता से अपने कैश तथा बैंक के सभी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस की जानकारी एक ही स्थान पर एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो इसी समरी से कैश तथा बैंक के किसी भी लेजर की रिपोर्ट देख सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें रोज कुछ भुगतान करने होते हैं, और इसी तरह हमें कुछ पैसा भी रोज प्राप्त होता है, और लेन देन के इन सभी कामों को हम कैश और बैंक के माध्यम से ही करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें कुछ परचेस करना है या फिर किसी का पेमेंट करना है, तो ये काम हम कैश में कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर कैश और बैंक दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। भुगतान करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है, बैंक में हमारे पास कितना पैसा है, या फिर क्या हमें कैश और बैंक दोनों को मिलाकर पेमेंट करना होगा। अब सवाल ये है कि हम ये सब पता कहां से करेंगे। बस इसी समस्या का समाधान है कैश एंड बैंक समरी। तो आइए अब हम कैश एंड बैंक बुक ओपन कर लेते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टेली पर हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के लिए डी प्रेस करें। अब अकाउंट बुक्स के लिए ए प्रेस करें और कैश एंड बैंक बुक के लिए सी प्रेस करें। ये देखिए कैश एंड बैंक समरी आ रही है। इसमें राइट साइड में ऊपर कंपनी का नाम दिखाई पड़ रहा है और उसके नीचे हमारी कंपनी में जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसकी शुरुआत से लेकर जिस डेट तक हमने काम किया है वहां तक का पीरियड दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस समरी में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि हमारे पास कितना कैश है, कितने बैंक अकाउंट्स हैं, किस बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, सारे बैंक अकाउंट्स को मिलाकर कुल कितने रुपए हैं, और नीचे ग्रैंड टोटल में ये पता चल रहा है कि कैश और सभी बैंक अकाउंट्स को मिलाकर हमारे पास कुल कितना रुपया है। तो इस तरह आपने देखा कि कोई भी पेमेंट करने से पहले हम इस समरी से कितनी आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे पास कैश और बैंक की क्या स्थिति है। ध्यान रखें, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट में ही आता है और हमारा जो पैसा बैंक में जमा होता है उसका बैलेंस भी डेबिट में ही आता है। हाँ, यदि आपने बैंक से कोई लोन या लिमिट ली होगी तो उसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा। आइए अब इस समरी को और डिटेल में देख लेते हैं। अब यदि हम कैश या किसी बैंक के माध्यम से हुए पुराने लेन देन की जानकारी चाहते हैं तो हमें कैश या उस बैंक के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा। हम कैश पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ कैश की मंथली समरी आ रही है जिसमें हर माह जो भी रुपया आया है या गया है वो दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि अप्रैल माह में हमें 280,000 रुपए प्राप्त हुए हैं और 205,000 रुपए गए हैं, और इसके बाद अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस 140,627 रुपए है जो कि अगले माह कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब यदि हमें किसी माह की कैश से संबंधित पूरी डिटेल देखना हो तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ कैश से संबंधित वो सभी ट्रांजेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं जो जुलाई माह में हुए हैं। जो कैश रिसीव हुआ है वो डेबिट साइड में, और जो कैश पेमेंट हमने किए हैं वो क्रेडिट साइड में दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप यहाँ दिखाई पड़ रहे किसी वाउचर की डिटेल देखना चाहते हैं तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए हमारे द्वारा सिलेक्ट किया गया वाउचर ओपन हो गया है। अब यदि आप किसी और पीरियड का कैश का लेजर देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके देख सकते हैं। यदि आप यहीं से कोई दूसरा लेजर ओपन करना चाहते हैं
तो F4 प्रेस करके देख सकते हैं। वैसे हम लेजर रिपोर्ट के बारे में अपनी वीडियो नंबर 38 और 39 में डिटेल में बता चुके हैं। यदि आप टैली में कुछ काम कर रहे हैं और उसे बंद किए बिना कैश एंड बैंक समरी देखना चाहते हैं, तो गोटू की सहायता से देख सकते हैं। उसके लिए गोटू पर माउस से क्लिक करें या ऑल्टर और जी प्रेस करें। ये देखिए, कॉमन रिपोर्ट्स में कैश एंड बैंक बुक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।